अस्सलामुअलैकुम एज़ला स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुताला इस्लाम क्लास 5। स्टूडेंट्स, आज हमने बाब नंबर 3 का सबक नंबर 4 पढ़ना है। आज हमने गज़वा ओहद के बारे में पढ़ना है। पहले हमने गज़वा बदर पढ़ा था, जो कि इस्लाम का पहला गज़वा था। गज़वा ओहद इस्लाम का दूसरा गज़वा है। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 60 ओपन कर लें। गज़वा ओहद क्यों हुआ था? गज़वा बदर में जब कफार को शिकस्त हुई तो उन्होंने उसका बदला लेने के लिए फिर गज़वा ओहद किया। गज़वा बदर में होने वाली शिकस्त से कफारे मक्का शदीद गम व गुस्से का शिकार थे। वो लोग जिनके बाप भाई वगैरह जंग में मारे गए थे, आपको पता है गज़वा बदर में 70 लोग मारे गए थे, तो उन 70 लोगों का बदला लेने के लिए फिर उन्होंने एक नई जंग का आगाज़ किया, नई जंग की तैयारी की, जो कि हिजरत के 3rd साल लड़ी गई थी। वो मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे, चुनाचे कफारे मक्का ने ज़ोरों शोर से अगली जंग की तैयारियां शुरू कर दी। हिजरत के 3rd साल यानी गज़वा बदर के अगले साल ही कफारे मक्का की 3000 नफरी पर मुश्तमिल फ़ौज, 200 घोड़े, बेशुमार जंगी साजो सामान से लैस होकर मदीना की तरफ रवाना हुए। इस फौज का सिपा सालार अबू सुफियान था, क्योंकि अबू जहल जो है वो गज़वा बदर में मारा जा चुका था। अब इन्होंने क्या किया, पहले 1000 नफरी थी, अब 3000 की नफरी उनके पास थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर मिली तो आप 1000 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को लेकर मुकाबले के लिए निकले। जब मुसलमानों को पता चला कि कफार दोबारा जंग के लिए आ रहे हैं तो वो 1000 मुसलमानों के साथ निकले। इस मुश्किल घड़ी में मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन अबी अपने 300 साथियों को लेकर मुसलमानों से अलग हो गया। आपको पता है कि मदीना में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुनाफिक थे, यानी कि मुनाफिक इसको कहते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह पर उनके साथ उनके दीन की हमायत करते थे और वहाँ से जब जैसे ही हटते थे तो वो अपनी पुरानी रवश पर आ जाते थे। और इनका सरदार कौन था? अब्दुल्ला बिन अबी, जो कि मुनाफिकों का सरदार था, और इसके साथ ही 300 थे। इस तरह मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई। ओहद के मैदान में दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। इसी मुनासबत से इस जंग को गज़वा ओहद कहा जाता है। ओहद इस वक्त मस्जिद नबी से शमाल में तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, यानी कि ये मस्जिद नबी से 5 किलोमीटर के फासले पर है। मुसलमानों के सिपा सालार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने अपनी फ़ौज की इस तरह सफबंदी की कि ओहद पहाड़ मुसलमानों की सफ़ों के पीछे था और दुश्मन सामने। इस पहाड़ में एक दर्रा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों का एक दस्ता इस दर्रे पर मुकर्रर फरमाया ताकि दुश्मन पुश्त से हमला ना कर पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ताकीद भी की, फरमाई कि फ़तह हो या शिकस्त, तीर अंदाजों का दस्ता अपनी जगह ना छोड़े। सुनो, आप देख सकते हैं कि ओहद गज़वा ओहद जहाँ हुआ या ओहद का मैदान था उसका पूरा आपके पास नक्शा बुक के ऊपर नज़र आ रहा है। अब जंग का आगाज़ कैसे हुआ? जंग का आगाज़ इनफरादी मुकाबले से हुआ, फिर बाकायदा जंग शुरू हुई। मुसलमान जल्द ही काफरों पर छा गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे कि अचानक एक हबशी ग़ुलाम वहशी ने घात लगाकर इन पर हमला किया और शहीद कर दिया। बाद में जो अबू जहल की बीवी हिंदा थी, उन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो का कलेजा चबा लिया था। दीगर मुसलमानों के पे दर पे हमलों ने दुश्मन के कदम उखाड़ दिए। कुछ मुसलमान दुश्मन को भागता देखकर समझ बैठे कि जंग ख़त्म हो गई है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ था। चुनाचे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बगैर माल गनीमत इकट्ठा करने लगे। माल गनीमत वो माल होता है जो जंग के दौरान दोनों फौजों के पास होता है, और जो लश्कर या जो मुल्क जंग जीत जाती है, जो लश्कर जीत जाता है माल गनीमत उसके हिस्से में आता है। मुसलमानों ने समझा कि कफार जो हैं वो जंग जीत चुके हैं, सॉरी मुसलमान जंग जीत चुके हैं, इसलिए वो फौरन क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी उनको हुक्म नहीं दिया था, तो वो माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए
अपनी अपनी जगहों से हट गए। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि दर्रे पर मुतय्यन कुछ तीरंदाज भी अपनी जगह छोड़कर आ गए। हालांकि आप पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सख्ती से मना किया था कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं होगा उन्होंने दर्रा नहीं छोड़ना। सिर्फ 10 तीरंदाज अपनी जगह पर डटे रहे। काफरों ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया और इनके एक दस्ते ने दर्रे की तरफ से मुसलमानों पर हमला कर दिया। इनके जब वो वैसे पलट के जा रहे थे अपनी जंग हार कर, और जैसे ही उन्होंने देखा कि दर्रे को मुसलमानों ने छोड़ दिया, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ से बहुत आसानी से हमला किया जा सकता था, तो कफार फौरन पलटे और उसी दर्रे की तरफ से मुसलमानों पर दोबारा हमला कर दिया। काफरों के इस दस्ते की क़यादत खालिद बिन वलीद कर रहे थे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताई चलूँ कि उस वक्त तक खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे। इसी दौरान में कफार की भागती हुई फ़ौज भी पलटकर हमला आवर हो गई। जैसे ही खालिद बिन वलीद को उन्होंने हमला करते हुए देखा तो बाकी फ़ौज भी फ़ौरन पलट कर आई, मुसलमानों पर हमला कर दिया और यूँ मुसलमानों की फतह शिकस्त में बदल गई। यहाँ से एक बात तो हमें ये समझ में आती है कि जब आपका कोई अमीर या हाकिम आपको किसी चीज़ का हुक्म दे दें तो आपको उसकी बात माननी चाहिए और अपनी उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसकी नाफरमानी करोगे तो उसका नतीजा आपको शिकस्त की सूरत में या नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ेगा। अब जैसे ही अचानक हमला हुआ, भगदड़ मच गई, तो उसमें क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की झूठी अफवाह फैल गई। साहबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन मसब रज़ी अल्लाह अन्हु बिन उमैर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, यानी उनकी शक्ल बहुत ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। इनके शहीद होने से मुसलमानों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह फैल गई। एक यानी कि उन्होंने समझा कि हज़रत मसअब बिन उमैर शहीद हो गए हैं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पुकार उठे, लोगों, अल्लाह के रसूल तो यहाँ हैं। ये सुनकर कुरैश ने भी सारा जोर इस तरफ लगा दिया। एक कुरैशी सरदार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत मुबारक शहीद कर दिया। जाहिर सी बात है, जब सारी फ़ौज एक ही शख्स की तरफ आ रही है और सहाबा उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में नबी करीम सल्लम का एक दांत शहीद हो गया। चंद जानसार सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरफ से अपने घेरे में ले लिया। जो तीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आता, इसे वो अपने जिस्म पर रोकते रहे, यानी कि नबी करीम सल्लम के सामने एक ढाल बन के खड़े हो गए और नबी करीम सल्लम तक कोई भी तीर उन्होंने नहीं आने दिया। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्ला ग़ज़वा उहद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में लिए हुए थे। जो भी तीर आता इसको अपने जिस्म पर सहते, इन्हें इस रोज़ 40 के करीब ज़ख्म आए। एन इसी वक्त अल्लाह ने अपनी रहमत नाजिल की। अबू सफियान ने हमला किया जो मुसलमानों की तरफ से पसपा कर दिया गया, यानी कि उसको शिकस्त दे दी गई। अबू सफियान पसपा होने के बाद मक्का की तरफ फतह का ऐलान करते हुए रवाना हो गया, यानी कि जाहिर सी बात है जब उन्होंने पलट कर जब हमला किया तो उसमें बहुत से मुसलमान शहीद हुए। और इस तरह से अबू सफियान ने अपनी फतह का ऐलान कर दिया कि हम जंग जीत गए हैं। मुसलमानों की जानिब से 70 अफराद शहीद हो चुके थे जबकि कफ़ार के 50 अफराद मारे गए थे। इसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सफियान का पीछा करने का इरादा किया ताकि वो ये ना समझ ले कि इसने मुसलमानों को शिकस्त दे दिया, यानी कि मुसलमानों ने फिर उसको पलट के हमला किया कि वो कहीं ऐसा ना समझ ले कि वो मुसलमानों को शिकस्त दे चुका है। इसके असरात व नताइज क्या हुए? ग़ज़वा उहद में मुसलमानों के लिए एक बड़ा सबक ये है कि कामयाबी और अल्लाह की मदद का इन्हिसार अमीर की अतात पर है, यानी कि अगर आप अपने अमीर की अतात नहीं करोगे तो अल्लाह ताला भी आपको कामयाबी अता नहीं करेगा। इस जंग के मौके पर मुनाफ़िकों का किरदार वाज़े तौर पर सामने आ गया, यानी कि मुनाफ़िकों का पता चल गया कि कौन जो है वो मुंह पे इस्लाम के हमायती बनते हैं लेकिन जब उनको मौत की तरफ पुकारा जा रहा है, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए बुलाया जाता है, तो वो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। नंबर 3, ये बात पूरी तरह वाज़े हो गई कि मुसलमानों के दिल में माल की मोहब्बत की जगह अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, यानी कि माल गनीमत वो फिर भी समेट सकते थे। अब सिर्फ और सिर्फ उनसे क्या गलती हुई कि माल गनीमत समेटने के चक्कर में उन्होंने अपनी जीती हुई जंग को हार दिया।
अगर मुसलमान माल समेटने के बजाय अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते तो फतह भी मिलती और माल भी ज़्यादा मिलता। इस्लाम की राह में आजमाइशें भी आती हैं और ये आजमाइशें ईमान वालों और झूठे लोगों में फ़र्क कर देती हैं। ईमान वालों का ईमान इन आजमाइशों से और बढ़ जाता है, यानी कि जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं जब उन पर आजमाइश आती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसकी मदद मांगते हैं। जी स्टूडेंट, इस गज़वा उहद से हमें एक तो ये सबक मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के मुताबिक गुजारनी चाहिए। उन्होंने जो तरीका हमें बता दिया है, हम अगर अपनी ज़िंदगी उसी के मुताबिक गुजारेंगे तो हम दुनिया और आखरत दोनों में फलाह कामयाबी पा सकेंगे। लेकिन अगर हम हदीस या कुरान को छोड़ देते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, तो उससे हम नाकामी का सामना करेंगे और हमारी दुनिया और आखरत दोनों नाकाम होंगी। सरगर्मी देखें इसकी। नंबर एक, मुसलमानों के लिए गज़वा उहद का दिन आजमाइश का दिन था, सही। काफरों के लश्कर का सिपा सालार अबू सफियान था, सही। गज़वा उहद हिजरत के दूसरे साल हुआ, गलत। गज़वा उहद हिजरत के तीसरे साल हुआ था। मुसलमान तीरंदाजों से गलती हुई, जी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बगैर अपनी जगह को छोड़ा था। उहद एक दर्रे का नाम है, नहीं, एक मैदान का नाम है। मुनाफिकों के सरदार ने मुसलमानों से तआवुन किया, गलत। वो पीछे हट के कुफार के साथ मिल गया था। काफरों की तादाद मुसलमानों से बहुत ज़्यादा थी, सही। तकरीबन 3 गुना से भी ज़्यादा थी। इस्लामी लश्कर की पुश्त पर जंगल था, गलत। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज का काम इतना ही था, आपने अच्छी तरह से इसको दोबारा रीड करना है और पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलामुअलैकुम एसएलएस स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप सबके? वही